हेलो एवरीवन, मैं हरसिमरन कौर और आज आप लोग मेरा बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय आप अपने दिल को धड़कते हुए देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर और महसूस कर सकते हैं अपने सीने पर हाथ रख के। इंसानों का दिल जो है वो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से शुरू होके जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक बिना रुके काम करता है। जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट का देखिए, आप लोग देख रहे हैं इस समय हार्ट में जो आपको ये मूवमेंट्स दिख रही हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं ये हैं मसल कॉन्ट्रैक्शंस। मसल कॉन्ट्रैक्शंस मतलब मांसपेशियों का खिंचाव और ढीला पड़ना। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की हेल्प से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है। अगर आप लोग आसान भाषा में समझना चाहें तो हमारे हार्ट का वही काम है जो कि हमारे घर में पानी की मोटर का होता है। जिस तरह पानी की मोटर जो है पानी को टंकी तक पहुँचा के फिर सारे घर में पानी की सप्लाई होती है, उसी तरह हमारा दिल जो है हमारे पूरे शरीर को खून की सप्लाई करता है। अगर हम लोग हार्ट के आकार की बात करें तो दिल का आकार एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। हमारा दिल जो है लगातार धड़कता रहता है बिना कोई भी ब्रेक लिए। एक एडल्ट ह्यूमन का जो हार्ट है वो एक मिनट में 72 से 80 बार तक धड़कता है। लेकिन क्या इंसान का जो दिल है हर उम्र में एक ही जितनी स्पीड पे एक ही रेट पे धड़कता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसका जवाब है नहीं। जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसका हार्ट तो 72 से 80 हार्ट बीट्स पर मिनट की स्पीड पे धड़कता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो दिल है वो काफ़ी तेज़ धड़कता है। उनका दिल 100 हार्ट बीट्स पर मिनट तक धड़कता है। उससे उल्टी तरफ जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि वो बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़े इंसानों का दिल जो है वो काफ़ी कम स्पीड पे धड़कता है। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट की पोजीशन की कि हमारे हार्ट की जो पोजीशन है वो कैसी है। अब आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमारा हृदय जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में है ऐसा, और इस वजह से हमारा जो लेफ़्ट लंग है यानी कि हमारा जो बायां फेफड़ा है वो हमारे दाएं फेफड़े से आकार में थोड़ा छोटा है, क्योंकि उस तरफ हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है उसने भी अपनी थोड़ी सी जगह ली होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिल जो है लगातार काम करता रहता है बिना रुके। एक एडल्ट ह्यूमन जो है उसका दिल एक मिनट में 72 से 80 बार तक धड़कता है, और अगर हम लोग इसका टोटल करें तो एक दिन में ये लगभग 1 लाख बार तक हो जाता है। हमारा दिल जो है लगातार ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में करता रहता है, और इस तरह से हमारा हार्ट जो है वो एक दिन में लगभग 2000 गैलन तक ब्लड का सर्कुलेशन कर देता है। हमारा हार्ट जो है अगर हम लोग उसके वज़न की बात करें तो हर एक इंसान में जो दिल का वज़न है वो लगभग अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग अगर हमारे हार्ट के औसतन वज़न वेट की बात करें तो जो हार्ट है उसका वज़न 225 ग्राम से लेकर 325 ग्राम तक हो सकता है। अब हम लोग अपने हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि अंदर से हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो इंसान है, इंसानों का हार्ट 4-चेम्बर्ड है। 4-चेम्बर्ड का मतलब क्या है कि इंसानों का जो दिल है उसमें 4 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखते हैं। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन में होती है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारा हार्ट जो है हर समय ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग ट्रांसपोर्ट करता है। इस समय आप हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें ये देखें, ये जो ऊपर वाले दो कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो दो कंपार्टमेंट्स हैं इनका नाम है एट्रियम, और नीचे वाले ये जो दो कंपार्टमेंट्स हैं इनका नाम है वेंट्रिकल। ठीक है जी, ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स का नाम है एट्रियम और नीचे वाले कंपार्टमेंट्स का नाम है वेंट्रिकल्स। ये जो आपको ब्लू कलर की एक वेसल दिख रहा है,
ऊपर भी और नीचे भी, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। ये जो वेना कैवास होती हैं इनका काम क्या है कि ये हमारी सारी की सारी बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है उसे लाके हमारे हार्ट में पोर करती हैं। और ये जो आपको दिख रही है पल्मोनरी वीन्स, ठीक है जी, पल्मोनरी वीन्स, इनका काम क्या है कि ये जो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद ये जो एरोटा है, दिस इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों के शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी जो है वो है एरोटा या फिर सूक्ष्मना। हिंदी में इसे सूक्ष्मना कहते हैं, इंग्लिश में एओर्टा कहते हैं। अब ये जो एओर्टा है ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। अब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह हमारा हार्ट जो है लगातार काम करता रहता है बिना रुके। और जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ सर्कुलेट होते हैं। अब ये जो आपको दिख रही है ये हैं वेना कैवास। ये जो वेना कैवास हैं ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब है ऐसा खून जिसमें से जो सारा ऑक्सीजन है वो यूज़ हो चुका हो, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को पूरी बॉडी से लेके आती हैं और हमारे राइट एट्रियम में। आपको याद रखना है हमारे हार्ट के चार चैम्बर्स हैं जिनमें दो चैम्बर्स जो हैं वो एट्रियम है और दो चैम्बर्स वेंट्रिकल हैं। हमारे हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर होता है ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम बोला जाता है और जो वेना कैवास हैं वो हमारे राइट एट्रियम में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करती हैं। तो इस तरह से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है। उसके बाद देखिए जो वेना कैवास थी उन्होंने राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर किया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और हमारे राइट वेंट्रिकल से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है। उसके बाद आ जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारी बॉडी में किस तरह ट्रेवल करता है और किस तरह उसकी हमारे हार्ट में सर्कुलेशन होती है। तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी सर्कुलेशन होती है हार्ट के लेफ्ट चैम्बर्स में और जो हमारा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी सर्कुलेशन होती है हमारे हार्ट के राइट चैम्बर्स में। हमारा जो ब्लड है चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो ब्लड हमेशा सबसे पहले लंग्स से भी एंटर करता है एट्रियम में और बॉडी से भी एंटर करता है एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था राइट एट्रियम में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स हमारे लंग्स से ब्लड को लाके हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें पोर करती है। उसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाइकस्पिड वेल्व को पास करके हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा जो ब्लड है वो एओर्टिक वेल्व को क्रॉस करके हमारी एओर्टा में चला जाता है और एओर्टा से पूरी की पूरी बॉडी में हमारे फ्रेश ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है उसकी डबल सर्कुलेशन होती है। इसीलिए ब्लड की सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं पेसमेकर्स की। देखिए इंसानों का जो दिल है वो हर समय धड़कता रहता है बिना रुके काम करता है लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर बीटिंग नहीं कर पाता, हमारे हार्ट को उतना इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं मिल पाता जितना कि इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ज़रूरी है। तो उन सिचुएशंस के लिए भी हम लोगों ने सोल्यूशन पहले से ही बना रखी है, दैट इज़ इम्प्लांटेबल पेसमेकर। इम्प्लांटेबल पेसमेकर्स जो होते हैं वो इस तरह के डिवाइस हैं जो कि हमारे हार्ट को
प्रॉपर इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोवाइड करके उसे धड़कने में हेल्प करते हैं। जो सबसे पहले इम्प्लांटेबल पेसमेकर थे वो 1958 में लगाए गए थे और इनका इस्तेमाल आर्ने लार्सन पे हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इम्प्लांटेबल पेसमेकर लगवाया था उनका नाम था आर्ने लार्सन। और आर्ने लार्सन जो है उनकी जो मृत्यु है वो 86 साल की उम्र में हुई थी, वो भी बिना किसी दिल की बीमारी के। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि जो पेसमेकर्स हैं वो इंसानों की उम्र बढ़ाने में किस तरह मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी वो 1893 में हुई थी और ये डैनियल हेल विलियम्स ने की। ठीक है जी, ये दो बातें आपने याद रखनी है। पहला जो इम्प्लांटेबल पेसमेकर था आर्ने लार्सन में इम्प्लांट किया गया था और जो पहली ओपन हार्ट सर्जरी है वो 1893 में हुई थी और डैनियल हेल विलियम्स ने की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल ऑपरेनिस्टिक को सब्सक्राइब ज़रूर करें।